ले ली सेल्फी में बाजरा रोटी कुटी ले लेंगे हैशटैग बाजरा रोटी याद रहनी चाहिए ना ऐसे हाथ से बनाई बना देख ना मेरे हाथ की बाजरा रोटी याद रखती है ये बाहर दो वाला नुस्खा तुम्हारे जेठ के साथ और वो बाजरा रोटी मिर्ची मिर्ची परोसती थी यही बढ़िया वाला तो कितने याद रहता भाई के ससुराल गए थे बढ़िया वाली रोटी खाए खाने पे बुलाएंगे उस दिन आपसे बेचारे बैठ के इंतजार करेंगे चले भी जाएंगे गोल पलटना थोड़े हाथ से पलटेगा अब ऐसे क्या घुमाना पड़ता है वेलकम बैक टू माय चैनल ये है थर्ड पार्ट इस गांव वाले ब्लॉग का जब हम लोग गांव वाले भैया के यहाँ गए थे और यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं रोटियाँ बनाना सीख रही थी तो अभी इस टाइम पर मैं बैठकर रोटियाँ सेकना सीख रही हूँ जी हाँ मैं इस टाइम रोटियाँ सेक रही हूँ और वही टेढ़ी मेढ़ी रोटी है जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी और इस ब्लॉग के भी शुरू में दिखाई है ये टेढ़ी मेढ़ी रोटी तो यहाँ पर भी भाभी मुझे सेकना सिखा रही थी और चूल्हे पर ऐसे मुझे सेकना नहीं आता तवे पर मैंने एक आध बार सेका भी है पर इस तरह से खड़े करके रोटी को मुझे बिल्कुल भी सेकना नहीं आता तो यहाँ पर भाभी देख रही थी मुझे बता रही थी और हम लोग बातें भी कर रहे थे वो माँ के लगा क्या करे पलट दो सर साइड साइड नहीं साइड उस साइड 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 चेंज करो साइड साइड चेंज करो साइड ऐसे नहीं साइड हाँ अच्छा अच्छा ऐसे खड़े खड़े सीखता है मक्की की रोटी भी ऐसे बनती है लगभग हाँ और अपनी वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी सेकने के बाद मैं वापस आकर बैठी हूँ दूसरी रोटी पर हाथ साफ़ करने के लिए क्योंकि भाभी ने बोला कि जब तक आप रोटियाँ बना नहीं लोगी अच्छे से तो तब मैं छोड़ूंगी नहीं पीछे आपका तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कॉमेडी चल रही थी और मैं वापस से बैठ के थी दूसरी रोटी ख़राब करने के लिए मतलब दूसरी रोटी बनाने के लिए पर जैसे भी मुझे आ रहा था उल्टा सीधा वैसे मैं बना रही थी एक्चुअली हाथ एक दिन में तो सेट होते नहीं और ये कला ऐसी है जो घर में किसी को देखो किसी को करते देखो तो ज़्यादा आती है मेरे घर में मैंने कभी देखा ही नहीं बाजरे रोटी बनाते या फिर सेकते तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा था पर मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन मैं बाजरे की रोटी बहुत ही बढ़िया बनाने लगूंगी क्योंकि घर में जब खाने के शौकीन लोग हैं तो बनाना भी होगा तो सीख लूंगी उम्मीद है कि देखते हैं किस दिन बनाना सीखती हूँ वो दिन शायद अगली सर्दी तक तो आ ही जाएगा जब मैं बनाना सीख जाऊँगी ये रोटियाँ और इस सर्दी कोशिश करूँगी कि डेली एक रोटी बनाकर ये प्रैक्टिस किया करूँ ऐसे हाथ को नहीं घुमाना है रोटी को ही घुमाना है आप हाथ को मारे ऐसे ऐसे करके ये है ना ये हिस्सा इसी से जोड़ राबड़ी पहले राबड़ी लाए मैं राबड़ी लाए अभी देखो कहाँ रखे इधर उधर कड़ी भी ले आ मिर्ची और अभी यहाँ पर एक बार थोड़ी रोटियाँ बनाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाभी ने बोला कि अंदर से जाकर आप राबड़ी और कढ़ी वगैरह ले आओ मैं बाकी रोटियाँ सेक रही हूँ मैंने कहा मैं बिल्कुल लेकर आती हूँ तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ अंदर वाले किचन से राबड़ी और कढ़ी लेकर आने कुछ बर्तन भी लेकर आने थे जो भी मतलब चीज़ें थी वो मैं ला कर रख रही थी हम लोग खाने की तैयारी कर रहे थे हाँ
हाँ राबड़ी बना बेटा बैठ जाओ और अभी यहाँ पर भाभी जा रही थी खाना निकालने, तो मैंने रेसिपी चैनल वाला जो ट्राईपॉड था वो भी सेट कर दिया था कि खाना निकालते हुए कभी शूट कर लूँ। अच्छा लगता है गांव में कैसे खाना निकालते हैं, एकदम स्टील के बर्तनों में, बड़े बड़े कटोरों में, अच्छा लगता है। घर के बर्तन होते हैं तो मैं ये सभी कुछ एकदम देसी चीज़ें दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ट्राईपॉड लगा कर बैठ गई हूँ, भाभी खाना निकाल रही हैं एक हाथ से, तो बस कुछ इस तरह से चल रहा था। और इसके बाद से हम लोग खाना वगैरह खाने वाले थे और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैं आपको बता दूँ गाँव का खाना वैसे भी इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। और दोनों बच्चे यहाँ पर राबड़ी का मज़ा ले रहे हैं, दिया और मोना, इन दोनों को राबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई। दिया को तो पसंद ही है और मोना को भी फर्स्ट टाइम पिलाई, तो छाछ की जो का जो खट्टापन होता है वो मोना को भी अच्छा लगा। तो दोनों बच्चे यहाँ पर पी रहे हैं और राबड़ी पीने से सर्दी जुकाम हर चीज़ दूर रहती है, तो हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चे पिएं। और बस भाभी ने खाना लगा दिया है, दो तरीके की मिर्ची भी लगाई थी, मिर्च काचरी का अचार, पानी वाली मिर्ची, छौंकी वाली मिर्ची, न जाने क्या क्या अचार का वेराइटी बहुत ज़्यादा था। और इन्हीं मिर्चियों की मदद से मैंने मतलब खाना खाया था, बाजरी रोटी खाई थी, क्योंकि कढ़ी मैं कम खाती हूँ, पर मिर्ची और गुड़ लेकर और थोड़ी थोड़ी कढ़ी लेकर मैंने खाना खाया। मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा ये खाना, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। आप सोच सकते हैं कि गाँव पर चूल्हे पर बना हुआ खाना कितना मज़ा आया होगा खाने में। तो बस यहाँ पर थाली रखी हुई है और हम लोग थोड़ा शूट कर रहे थे, एक दो फोटो खींच रहे थे। तो ये खाना है गाँव का खाना, आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग को भी मैं इस खाने के लिए इन्वाइट कर रही हूँ, ये खाना वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर खाना बना कर ट्राई करिएगा। और अगर आपके घर में चूल्हा है तब तो आई होप आप लोग भी मज़े लेते होंगे, पर चूल्हा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। मतलब चूल्हे का तो मज़ा खैर अलग ही होता है, एकदम अलग ही होता है। मोना अच्छा है, मैंने गलती से ही बोल दिया। टेस्टी है मोना? टेस्टी है। मैं पी जाऊंगा पूरा फुल। पी रही है, मुझे पता है ना। मैं पी जाऊंगा अभी। पापा मैं तो राबड़ी पीना। क्या छाछ फिनिश करनी, दो दीदी फिनिश करिए, तुम फिनिश नहीं करोगी? थोड़ा सा कि भैया अभी बैठते हैं चूल्हे के पास भाभी के बगल में। अरे ये तरीका है घी डालने का, अरे गजब, अरे इतना सारा खतरनाक घी। कहाँ जाएगा इतना घी? डायरेक्ट डायरेक्ट बाल्टी से। अरे और राबड़ी है ले लो। अच्छा ऐसा क्या? और ले लेना। हेलो, बहुत सुंदर दिख रहा है भाभी, इसमें और निकाल दीजिएगा। ये मजा आ गया तुम्हारे को? बात इम लगा दे। नहीं वो चम्मच से पीती रह जाती, इससे क्या पी लेगी लोटा। जा रोटी खा ले, बाजरे की है? बाजरे की रोटी खा ले। हेलो। माँ मुझे भी दिखाओ ना। लो इधर आ जाओ। मोने इधर आ। आ जाओ ना इधर आ, देख फोटो ले। आ मोनी भाई कोई रावी पी रहे हैं। और अभी खाना खाने के बाद जब हम लोगों ने खा लिया तब भैया बैठकर खा रहे थे, मतलब जो भैया हैं जिनके घर हम लोग गए थे, तो भैया कढ़ी में ऐसे रोटी चूर कर खाते हैं, मतलब तोड़ कर खाते हैं। और असली पारंपरिक खाना तो यही है गांव के खाने का, कढ़ी में रोटी डालकर खाते हैं तोड़ कर। तो भैया थोड़ा सा संकोच भी कर रहे थे, पर हम लोगों ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, ये भी दिखाना चाहिए कि राजस्थान में लोग गाँव में कैसे खाना खाते हैं, और यही देसी तरीका है खाना खाने का। और खाना खाने के बाद वापस भाभी ने मुझे बैठा लिया कि अब आप बैठ कर वापस एक लो ही लो और प्रैक्टिस करते रहो, जब तक रोटी एकदम सीधी नहीं होगी तब तक आपको जाना नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो है रोटी की प्रैक्टिस कर रही थी और लास्ट में फाइनली मैंने एक रोटी तैयार भी कर ली थी, जो कि अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगी। उतनी गोल नहीं थी जितनी की भाभी की थी, पर हाँ थोड़ी थोड़ी सी थी, उनके लगभग बराबर ही। इतनी मेहनत की फाइनली बना ली। फाइनली बना ली। ठियाजे जो साइड पर बन गई अब तो भाई। हां कपड़ा उड़ जाएगा। सही बात है। किसके चक्कर में? हां कि आगे तो कपड़े कैसे साफ किया था? यहां पर ऊपर किया था। आप कपड़े नहीं साफ की थी?
अब तो आप आए तो फल वही तो न तो मोना है ना अप्रैल बच्चे की सबकी छुट्टी हो जाएगी फिर गएंगे ऐसे बनाओ चाय गर्मी कितना भी हो सब चलेगा यहां पहली बार भी गर्मी में गए थे लेकिन पूरी खुला रहता ना खुले में पूरी व्यवस्था कर हां खुले में क्या दिक्कत है इतना खैर अप्रैल में ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा घेरना करना भी नहीं पड़ेगा हर जगह खुले बैठने लायक रहता है इधर है ना व्यवस्था अभी वो बुलाएंगे कहां यहां यार पास में है भाभी बुलाएंगे बुलाएंगे क्यों नहीं बुलाएंगे तो आएंगे तो इसीलिए तो कह रहे हैं सबकी छुट्टियां हो जाएगी दो चार पाँच दस दिन पहले बात करो ना ऐसी की हाँ हाँ आए थे ना हवन में उनको लगा कि पूजा पाठ का चक्कर है कि शादी का है क्या प्रोग्राम है यहाँ पे हवन में तो भैया देखे थे क्या हाँ वीडियो देखे थे हाँ तो ऐसे बात करी भी वहाँ जाके आए थे रामायण थी हवन तो पूरी बात सुनी बोले बच्ची शादी थोड़ी हो गई नहीं अभी का भी और इस टाइम पर हम सब लोगों ने खाना खा लिया था तो हम सब चारों पांचों लोग बैठकर और यहाँ बातें कर रहे थे। भाभी ने खाना नहीं खाया तो उन्होंने बोला कि मैंने पहले ही खा लिया था तो भाभी एक टाइम ही खाना खाती हैं। उन्होंने सुबह बोला कि मैंने पहले ही खा लिया आप लोग के आने से पहले ही भाभी खा चुकी थी। भैया ने खा लिया उनके बेटे ने खा लिया और हम सब ने तो मज़े लेकर खाए ही थे। चक्कर खाना खाया था बाजरे की रोटी को गुड़ से भी खाया था अचार से भी खाया था कड़ी से भी खाया था मतलब काफ़ी तरीके से खाया था बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद से सब बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से बातें करने में। बातें हमारी ख़त्म ही नहीं होती क्योंकि अक्सर होता ही है कि भैया तो हमारे घर आते हैं पर भाभी नहीं होती तो बातें कुछ अधूरी रह जाती हैं तो यहाँ पर भाभी भी थी तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और भाभी की बातें आप लोग वीडियो में सुन ही रहे होंगे कि कितना मज़ेदार बोलती हैं कितना बढ़िया बोलती हैं मीठी बोली है तो बहुत अच्छा लगता है भाभी के साथ। ऐसा लगता है कॉमेडी कर रही हैं और भाभी की बोली ऐसी बहुत अच्छा बोलती हैं भाभी। तो बस यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे तो आप लोग भी मज़े ले लीजिए। और खाना खाने के आधे घंटे बाद भाभी ने ढेर सारी मूंगफली लाकर रख दी सिकी हुई चूल्हे पे ही सिकी थी तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की डार्क हो गई थी पर मूंगफली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी सोधी सोधी सी। भैया बहुत खुशकिस्मत हैं गांव में रहते हैं सही बता रहे हैं गाँव का मजा। बचे हुए चाय को पीने प्रैक्टिस कर रहे हैं बचे हुए चाय को पीने की प्रैक्टिस जुकाम लग जाएगी नींबू वाली चाय दे दो अच्छा तीन चाय में बस जुकाम पक जाके ना पर होता तो है नींबू और मूंगफली खाने के बाद वापस से फिर चाय बनकर आ गई लास्ट वाली लगभग 5:30 हो रहे थे जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा बच्चे जिद करने लगे घर चलने की
तो बच्चे बोर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से भाभी की बेटी ने चाय बनाई थी, बहुत टेस्टी चाय, तो हम सब बैठकर यहाँ चाय पी रहे थे। भाभी मेरे पास बैठी थी और मैंने ट्राईपॉड ऐसा सेट कर लिया था कि मैं और भाभी दिखूँ, तो बस यहाँ पर चाय पियेंगे और इसके बाद से निकल जाने वाले थे लगभग 5:30-6 पे अपने घर की तरफ। और ये ब्लॉग यहीं पर जाकर ख़त्म होता है। आपको मेरे ये तीनों ब्लॉग कैसे लगे, भैया के घर के गाँव वाले, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। और आई होप आप लोगों ने भी उतना ही इन्जॉय किया होगा जितना कि मैंने किया था। हाँ, खाना नहीं खाया, पर बाकी मेरे ख्याल से इस ब्लॉग को, तीनों ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो जिसने तीनों ब्लॉग नहीं देखे हैं उन्हें पूरी बात पता नहीं चलेगी, तो आप लोग तीनों ब्लॉग जरूर देखिएगा मेरे चैनल पर आकर, इससे पहले के 2 ब्लॉग और ये लास्ट का ब्लॉग। तो चलिए आप सबसे मिलूंगी अपने घर के नए ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।